अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपके 1 अक्टूबर 2019 की बड़ी अपडेट्स देखेंगे। तो दोस्तों हमें अगली तारीख मिल चुकी है 16 अक्टूबर। तो दोस्तों हमें अगली तारीख क्यों मिली है कि सलमान खुर्शीद का मामला कोर्ट नंबर 1 में है, वो बहस के लिए बैठे हैं, इसलिए मामला दोस्तों आपका नहीं सुना गया। अब 16 अक्टूबर को सुना जाएगा आपका केस। तो दोस्तों आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा 16 अक्टूबर तक। तो दोस्तों क्यों आपका मामला नहीं सुना गया, इसको भी आपने समझ लिया कि भाई जिनका मामला कोर्ट नंबर 1 में पहले से लिस्टेड है केस, तो वो बहस के लिए पहले से बैठ चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों आपका मामला नहीं सुना जा पाया। क्योंकि पहले से अगर किसी का मामला चलेगा दोस्तों तो उन्हीं का मामला सुना जाएगा। लेकिन दोस्तों तारीख वैसे आज की हमें मिली थी, लेकिन दोस्तों एक निराशा में हाथ नजर आई। और दोस्तों 15 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अब 16 अक्टूबर को आपकी अगली तारीख है। तो दोस्तों मतलब यहाँ से लंबा इंतजार करना पड़ेगा 16 तारीख तक। तो आपका लगभग दोस्तों दशहरा अब यहाँ से बीतता हुआ नजर आएगा। और अगर आज आपकी सुनवाई होती तो एटलीस्ट दोस्तों जो सरकारी पक्ष था उनका तो पूरा सबमिशन कंप्लीट हो जाता। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी बुरी खबर है आज हमारे लिए कि आज आपकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पाई है। तो बस थोड़ा सा और इंतजार दोस्तों 16 अक्टूबर तक। थोड़ा सा क्या दोस्तों, अब तो लंबा इंतजार हो गया है। और आपका दशहरा के बाद ये सब कुछ होगा, तो जो नवरात्रि आपकी आ रही है, तो दोस्तों अब उसका आप इंजॉय लीजिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। क्योंकि अब देखिए जो कुछ होना है वो तो बाद में ही होना है। देखिए एक चीज याद रखना है आपको शिक्षक भर्ती में, आज नहीं तो कल दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी, ये तो लिख कर ले लीजिए। कभी नौकरी कभी रुकती नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी बहुत केसेस हुए, चाहे 12,460 था या इससे पहले जितनी भी शिक्षक भर्ती होती आई है, सभी में आज नहीं तो कल दोस्तों नौकरियां मिली है। तो टाइम लगता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं देर होगा, अंधेर नहीं है। तो वेट एंड वॉच करेंगे दोस्तों। तो अब आप लोग को दोस्तों अपने फेस्टिवल को थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, और जो होगा देखा जाएगा। और दोस्तों आज वैसे अगर आज सुनवाई होती तो आपके अंदर थोड़ी टेंशन आ जाती कि आपको ये तो पता चल जाता डेफिनेटली तौर पर कि 40-45 की जीत होगी या 60-65। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब ये अंतिम सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद आपको 101% दोस्तों ये पता चल जाएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। 60-65 दोस्तों जो लास्ट सबमिशन होगा उस दिन दोस्तों सभी के पास ये डेटा चला जाएगा कि हाँ इस बार सरकार ने अपना पक्ष किस आधार पर और कितनी मजबूती के साथ रखा है। पिछली बार के जैसे तो नहीं दोस्तों, कि पिछली बार जैसा हाल हो, तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब अगली सुनवाई में दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे एक साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आपकी अगली तारीख है 16 अक्टूबर। तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि भाई अब अगली तारीख हमारी 16 अक्टूबर मिल चुकी है। उससे पहले दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों आपको हमने पहले बताया था, तो दोस्त तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक आप वैसे भी आपकी कोर्ट की छुट्टी है, तो इसमें आपको डेट मिलनी भी नहीं थी। तो ठीक है, अब 16 तारीख को दोस्तों अगली सुनवाई आपकी शुरू होगी। तो 16 तारीख तक इंतजार करेंगे और उसके बाद जो भी कोर्ट अपडेट आगे की मिलने वाली होगी सब कुछ हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आज का कंक्लूजन ये भी निकालते हैं आपकी जो फाइनल कट ऑफ को लेकर दोस्तों, जो आपका ये रहस्य मिस्ट्री बना हुआ है, तो दोस्तों आज भी इस वीडियो के साथ भी दोस्तों ये मिस्ट्री बना रहेगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल कट ऑफ का मामला आपका सुलझ जाएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखिएगा, अगर आपको जो कुछ आज की बड़ी अपडेट आई थी यूपी टेट को लेकर, तो वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो और चीज समझेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं दोस्तों, और कुछ नियम और कानून चेंज हुए हैं उसको दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा जारी। अब ऐसे होगी प्राइमरी समेत उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्तियां, टेट पास करने के बाद देनी होगी लिखित परीक्षा, ऐसे बनेगी मेरिट। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके मेरिट सिस्टम में बदलाव हुआ है कि अब आपको नौकरियां कैसे मिलेंगी आने वाले समय में। देखिए दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के लिए टेट पास करने के बाद लिखित परीक्षा, ठीक है, सीटेट या टेट के 1/4 अंक और अभ्यर्थी के मेरिट के अंक जोड़ते हुए चयन किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ चुकी है कि अगर आप लोग इस भर्ती में नौकरी नहीं पाते तो आने वाले समय में आपको सीटेट या यूपीटेट, ठीक है, आप जितने नंबर पाएंगे यूपीटेट या सीटेट में, इसका 1/4 नंबर आपके जो मेरिट या गुणांक बनेगा तो उसमें लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक करिए, क्योंकि अगली शिक्षक भर्ती में दोस्तों ये नियम और कानून हो सकता हो लागू हो जाए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, हर वर्ष शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी करेगा शिक्षा आयोग। जी हाँ दोस्तों, 2019 में कोई शिक्षक भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक साल में एक शिक्षक भर्ती परीक्षा अवश्य होगी, ऐसा दोस्तों कहा गया है। तो इस अपडेट को देखेंगे कि चलिए हर साल हमारे लिए एक शिक्षक भर्ती आएगी दोस्तों, तो सही रहेगा कि बच्चे मतलब जिन बच्चों को नौकरी मिल गई ठीक है, फिर अगले साल के लिए तैयारी करना शुरू करें।
ऐसे क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि 69,000 हम लोग ले लेते हैं, जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी वो बच्चे परेशान होंगे कि आगे अब क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद दोस्तों देश में शिक्षकों की भारी कमी, आंकड़ा 11,85,000 के पार, स्कूली शिक्षा सचिव। जी हाँ दोस्तों, देखिए इतने ज्यादा शिक्षकों टीचर्स की कमी है, उसके बाद भी दोस्तों हम परेशान होते कि नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे तैयारी करें, तो दोस्तों इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। उसके बाद दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग प्रकरण में आज की सुनवाई के संबंध में टीम रिजवान। ठीक दोस्तों, टीम रिजवान की अपडेट साथ देखेंगे कि भाई आज की सुनवाई आपकी कैसे होगी। फिर दोस्तों बात करेंगे आपके अफवाहों का बाजार गर्म। जी हाँ दोस्तों, सभी जगह बातें हो रही है कि 40-45 की जीत होगी, कहीं 60 और 65, तो दोस्तों आप लोग को बचना है भी अफवाहों से कि किसकी होगी जीत, आज दोस्तों हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो लाइव कोर्ट अपडेट आएगी, अगर अभी देखिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट और है कि अभी तक दोस्तों आपका डिसाइड नहीं हुआ है कि आज का केस, अभी तक दोस्तों देखिए अभी आपका केस ही लिस्ट नहीं किया गया। देखिए पूरी खबर पहले पढ़ लेते हैं टीम रिजवान अंसारी तरफ से, ठीक है क्या पूरी खबर दोस्तों इसको देखते हैं। 1 अक्टूबर की कोर्ट नंबर 1 की डेली काज लिस्ट, ठीक है दोस्तों, फ्रेश लिस्ट, केस लिस्ट, एडिशनल लिस्ट जारी हो चुकी है तीनों में। किसी भी लिस्ट में पासिंग मार्क केस या स्पेशल या आप जो अपील है लिस्टेड नहीं हुआ, पीड़ित साथियों की लिस्टिंग ना होने से बेचैनी स्वाभाविक थी। इस संबंध में अधिवक्ताओं से बात की गई तो स्पष्ट हुआ कि आज कोर्ट खुलने पर एक अलग से नोटिस लिस्ट आएगी। यदि आज आफ्टर लंच सुनवाई होगी तो उस नोटिस लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। हालांकि विगत सुनवाई के ऑर्डर में आज आफ्टर लंच केस सुना जाना सुनिश्चित था, इसलिए ठीक है दोस्तों सुनिश्चित है पहले से, इसलिए आज केस की सुनवाई की पूर्ण संभावना तो बनती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी लास्ट केस आपने देखा था तो आज का समय हमें मिला है तो संभावना तो पूरी है ही है। यदि कोई पार्टी ठीक है इंटरवेशन या इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशन जो इंटरविनर या इम्प्लीमेंटेड बनना चाहता है दाखिल करता है, तो उसकी टैगिंग के लिए कोर्ट परमिशन की आवश्यकता होती है। इसी परमिशन के लिए ये मिसलेनियस एप्लीकेशन लिस्ट में अपडेट होती है। इसका केस की मुख्य प्रोसेस जो प्रोसीडिंग होगी सुनवाई से कोई संबंध नहीं होता। आज सुबह 10:30 बजे तक केस की सुनवाई की स्थिति स्पष्ट खबर मिलेगी टीम रिजवान। जी हाँ दोस्तों, 10:30 बजे तक इंतजार करेंगे। तो दोस्तों भी आज आपका केस लिस्ट नहीं हुआ तो आपको परेशान नहीं होना है कि अगर आज की हमें डेट मिली तो दोस्तों सुनवाई होना लगभग तय, समझिए आप लोग। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी होगी जीत, आज हमें पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपकी सुनवाई होती है तो डेफिनेटली दोस्तों हमें पता चलेगा 40-45 वर्सेस 60-65 में किसका पक्ष है मजबूत। और दोस्तों अगर आपकी सुनवाई सही से होती है तो आपके जो सरकारी पक्ष है उनका सबमिशन भी दोस्तों आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एक आज की बड़ी खबरें रहने वाली हैं ये सब। अब दोस्तों सबसे पहले इस पर बात कर लेंगे कि हर वर्ष शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी करेगा शिक्षा आयोग। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर होगी आप लोगों के लिए। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाला उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग हर वर्ष कैलेंडर जारी कर भर्ती करेगा। डिग्री कॉलेज, माध्यमिक स्कूलों व प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए वर्ष में कम से कम एक भर्ती परीक्षा अवश्य आयोजित की जाएगी। वर्ष की शुरुआत में ही कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार से लेकर रिजल्ट तक की तारीखें होंगी। जी हाँ दोस्तों, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू पेपर कब होगा, तो दोस्तों ये बात कही गई कि हर साल होगी। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि देखिए जैसे 2019 में हम लोग का पूरा रूखा सूखा चला गया क्योंकि एक भी शिक्षक भर्ती दोस्तों 2019 में आयोजित नहीं हुई, ना होने वाली है। अक्टूबर दोस्तों आज से शुरू हो गया हमारा, बस नवंबर दिसंबर 2019 साल हमारा समाप्त। तो दोस्तों सबसे बेकार साल का कहा जा सकता है शिक्षक भर्ती में 2019 रहा, कोई नौकरी नहीं आई। देखिए शिक्षकों की भारी कमी, देश भर में 11,85,000 ठीक इतने स्कूल है जिनमें शिक्षकों की भारी कमी है। कहीं कहीं तो नियोजन वाले शिक्षकों से ही शिक्षण कार्य चल रहा है। यूपी समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ काफी अच्छा काम हुआ है। रीना रे, स्कूली शिक्षा सचिव। फिर दोस्तों लोग बात करेंगे हम कि आपकी जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा हुआ है जारी, उसमें दोस्तों आपका चयन कैसे होगा पहले देखते हैं। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे। यह आयोग उच्च व माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त कॉलेजों, स्कूलों और प्रसिद्धि स्कूलों के शिक्षकों का चयन करेगा। पहली बार राज्य सरकार आयोग के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का चयन करेगी। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की मेरिट मेटेट के 1/4 अंक भी जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने आयोग के गठन का मसौदा जारी कर दिया है।
तो दोस्तों ये जो टेट का 1/4 नंबर है ना, तो मतलब अब आपको दोस्तों यूपी टेट और सी टेट कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग की भाई अधिक से अधिक दे पाए, क्योंकि जब इसके नंबर जोड़े जाएंगे तो आपको स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा। जैसे आपका सुपर टेट की मेरिट बनती है ना, इसमें क वर्ग की सेवाओं में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य व महाविद्यालय के प्राचार्य का चयन होगा। समूह ख में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य प्रवक्ता व एल्टी ग्रेड के शिक्षकों का चयन होगा। समूह ग में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का चयन होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ग वर्ग में आएंगे, इसमें 8 सदस्य उच्चतर शिक्षा और 6 सदस्य माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता के होंगे। अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति अध्यक्ष बन सकेंगे। इनके भक्तों आदि का निर्धारण सरकार करेगी, ठीक है। इस आयोग में एक परीक्षा नियंत्रक होगा जो परीक्षाओं पर नियंत्रण रखेगा, वही एक सचिव व अधिकतम 5 उप सचिव व सहायक सचिव आदि भी होंगे। तो दोस्तों इतने लोग होने वाले हैं, आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे कैसे होगा चयन। देखिए ये सब अपडेट्स हैं। आचार्य व महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए यूजीसी के, ठीक है, यूजीसी के मानक होंगे। साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित होंगे। अब सहायक आचार्य कैसे, वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, सामान्य के 30 अंक, संबंधित विषय 70 अंक, साक्षात्कार के लिए 30 अंक, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में दोस्तों क्या होगा, समूह ख में संबंधित विषय व सामान्य की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के लिए निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट बनेगी। इस परीक्षा से प्रवक्ता व एलटी ग्रेड दोनों का चयन हो सकता है। यदि चाहो तो विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के 2 विषयों के अलग आधार पर अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती है। और दोस्तों हमने देख लिया कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के लिए टेट के बाद लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, जैसे हुई अभी है हमें पता है, लेकिन नई चीज क्या आई है, सीटेट और टेट के 1/4 अंक और अभ्यर्थी के मेरिट के अंक जोड़ते हुए चयन किया जाएगा। मतलब दोस्तों जो मेरिट आपकी पहले बनती थी वो मेरिट भी बनेगी, और 1/4 का नया रूल आ रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब आपका यूपी टेट में जो नंबर आप मेहनत करते हैं उसको दोस्तों आपको फायदा होगा। अभी तक बच्चे क्या करते थे, यूपी टेट को मतलब ऐसे ही लेते थे यार, कि चलो पास हो जाओ किसी तरह, ठीक है ना, उसके बाद नौकरी तो हमें मिलनी मिलनी है। लेकिन दोस्तों अब समय बदल रहा है, यूपी टेट पे आप पास नहीं होना होगा, आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। दोस्तों इस बार आप लोग का पूरा टारगेट रखिएगा कि इस बार ही आपका टेट में कम से कम, नहीं तो अभी सीटेट का आपने फॉर्म भरा होगा तो सीटेट में ही कम से कम दोस्तों 100 से ऊपर जाने की कोशिश करिए। आप दोस्तों 82 और 90 का आंकड़ा छोड़ दीजिए, जो अभी तक आप लोग 82 और 90 नंबर लाकर खुश हो जाते थे कि 90 नंबर जनरल की पासिंग मार्क होती है और 82 नंबर दोस्तों आपकी आरक्षित वर्ग की पासिंग मार्क है, ठीक है। चाहे आप ओबीसी से आते हो, चाहे आप एससी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप एसटी कैटेगरी से आते हो, तो ये पासिंग मार्क आपके लिए था। लेकिन दोस्तों समय बदल रहा है तो रूल भी बदलते हैं। तो दोस्तों आपको तैयार रहना है, और कैसे क्या करना है सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। अब दोस्तों बात होती है कि 40, 45 और 60, 65। तो दोस्तों जैसे ही आज की सुनवाई आपकी प्रारंभ होगी तो उसकी अपडेट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आखिर किसका पक्ष है मजबूत, कौन जीत रहा है। तो आपको अफवाह से फिलहाल बचना है, कि अफवाह में दोस्तों क्या होता है कि कभी 60-65 की जीत बता दी जाती है, कभी 40 और 45 की, तो आप लोग परेशान होते हैं। तो दोस्तों आज सब कुछ क्लियर होगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल अभी दोस्तों आपका केस लिस्ट नहीं हुआ तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, 10:30 बजे तक इंतजार करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम अपडेट करेंगे कि आखिर क्या होगा, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करते हैं दोस्तों कि आपकी टाइमिंग क्या होगी। देखिए पिछली जो आपकी हियरिंग हुई थी उसमें दोस्तों हमें समय दिया गया था, आज का डेट 1 अक्टूबर, समय दोपहर का समय दिया गया था दोस्तों, लेकिन देखते हैं अभी। तो आपको परेशान नहीं होना है, जैसे अपडेट्स आएगी दोस्तों हम सबसे पहले अपडेट्स करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और बताइए कि भाई अब अगली बार अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना बढ़ जा रहा है आजकल कि अगर आप कहीं से भी चूकेंगे तो आप नौकरी से बाहर होंगे, ठीक है। तो मतलब यूपी टेट में जो 120 नंबर 130 नंबर स्कोर करेंगे वो नौकरी पाने के हकदार ज्यादा होंगे। अगर आप लोग 82 नंबर लाते हैं, एक बच्चा 120 नंबर लाता है, तो दोनों में अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो अब आपको यूपी टेट और सी टेट में भाई स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। अब ये ना सोचिए कि आप पास हो जाएंगे तो काम बनेगा, अब नंबर लाने से काम होगा, पास होने से नहीं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं लाइव कोर्ट अपडेट में, जैसी अपडेट शुरू होती है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे।